मैंने एक बर्गर KFC से मंगाया, एक बर्गर बर्गर किंग से मंगाया और एक मैकडॉनल्ड से मंगाया। आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे वीडियो देखे हुए ना जिसमें ऐसे फायर बर्गर्स टाइप बनाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम भी घर पे बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी विल सी के कौन सा बर्गर बेटर है। तो KFC का ऑर्डर वेज जिंगर, आई थिंक इट वॉज 180 रुपीज़ का। मेरा KFC से सबसे फेवरेट वेज जिंगर ही है। लोगों का काफ़ी नॉन वेज फेवरेट होता है KFC से, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। फिर मेरा बर्गर किंग से सबसे ज़्यादा फेवरेट इज उनका छोटू 80 रुपीज़ का क्रिस्पी चिकन बर्गर। छोटू है बट फ्लेवर मस्त है इसमें। ओके आई विल शो यू। एंड पता है इसकी पैटी भी ना हार्ट शेप की होती है, मुझे वो भी बहुत क्यूट लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैकडॉनल्ड्स का सबसे सस्ता मंगाया। ये मेरा फेवरेट नहीं है बट यार मैकालू टिक्की सबसे सस्ता है, तो मैंने उसमें पैटी 2 डलवाई। तो ये रहे हमारे तीनों बर्गर्स, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा बाय द वे, आप लोग में से कोई अपने डॉग्स के साथ कहीं ट्रैवल करा है क्या? अगर हाँ तो मुझे प्लीज़ बताओ कि कैसे करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल विद कोको। बट मैं ऐसा ऑनलाइन पढ़ रही थी ना, तो मुझे पता चला कि डॉग्स को सबसे पहले तो बसेस वगैरह में अलाउड ही नहीं होता लेके जाना, मतलब फ्लाइट्स में ले जा सकते हो ऐसा बोला था, लेकिन उनको केज वगैरह में रखते हैं उन एंड छोटू डॉग्स लाइक शिह ट्ज़, उनके कान भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए वो सोल्यूशन भी नहीं है। एंड थर्डली, ट्रेन में लेके जा सकते हो बट यू हैव टू बुक एन एंटायर कैबिन और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार कि मैं कोको को कैसे अपने साथ लेके जाऊँ। मतलब इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ टेकिंग कोको के हम गाड़ी पे जाएं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इनकन्वीनियंट। मतलब हर बार गाड़ी पे कोई कैसे जा सकता है। हाँ, अगर आप लोग के पास डॉग्स है और आप डॉग्स के साथ ट्रैवल वगैरह कर चुके हो ना और आपको पता है कि कैसे करना है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे बहुत हेल्प की जरूरत है। एंड इस वीडियो के लिए मैंने लाइटर मंगाया, क्योंकि मेरे पास लाइटर भी नहीं पड़ा था घर पे। हवा बहुत मस्त चल रही है। हियर इज आवर लाइटर। अब हम हमारे बर्गर्स जलाने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट वर्किंग। जानवी टॉट मी हाउ टू यूज द लाइटर नाउ। तब भी मुझसे लाइटर, अरे यार गजब बेइज्जती। आई थिंक अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ओह माय गॉड गाइस, लुक एट व्हाट ही इज डन। टिश्यूज, कितने टिश्यूज हैं क्या? कम कम कोको, कम जिद्दी बच्चा। ओके हम यहाँ पे करते हैं इसको जलाने की कोशिश। ओके जल गया मेरा हाथ। व्हाट द हेल डूड, लोग कैसे यूज करते हैं लाइटर। ओके द बर्गर इज नॉट बर्निंग। वेट आई विल कम बैक। सो दिस इज़ आवर सेकेंड ट्राई और अब हम अल्कोहल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। इससे अल्कोहल तो पूरा चला जाएगा बट मैं जानना चाहती हूँ बर्गर में कोई टेस्ट अलग आता है कि नहीं। नाउ वी वेट फॉर इट टू बर्न। 3 2 दिखा गाइस, आपको आग दिख रही है, कितना मस्त लग रहा है। ओके नाउ वी ट्राई टू मेक द बर्गर्स बी ऑन फायर। Oh my God, हल्का हल्का फायर पे, but they are actually on fire. मैं इतने में ही सैटिस्फाइड हूँ, बहुत हो गया। Okay, now it's time to taste and see अगर हमारे बर्गर में कोई टेस्ट डिफरेंस आया कि नहीं। टेस्ट वॉज रियली बैड, इट्स हॉरिफाइंग। आप ऑनलाइन देखते हो ना फायर बर्गर, ये वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट इट टेस्ट डिस्गस्टिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक सेव द पार्टी एंड ईट इट, बट दिस वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। यार मेरा बर्गर किंग का बर्गर। तो इस वीडियो का शाउट आउट महेश बिस्वाल को जाता है। एनीवेज आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। सी यू लेटर एलिगेटर एंड नेवर ट्राई दिस।